हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ताशास वर्ल्ड। आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा कटलेट, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और जो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, और इसके लिए हमें सामग्री भी बहुत कम लगती है। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या लगेगा। हमें इसके लिए चाहिए 1 बाउल पोहा, 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच चावल का आटा, यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन लिए हैं, 1 कैप्सिकम छोटा, और धनिया पत्ती से मैंने फाइन चॉप कर लिया है सबको। और मसालों में हमें चाहिए जीरा, अजवाइन, तिल, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला। ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, मैंने आधी आधी चम्मच लिया है। अब हम हमारे पोहे को अच्छे से 3 से 4 पानी से धो लेंगे। इसे आप अच्छे से धो लें और इसे 5 से 10 मिनट के लिए भीगने के लिए छोड़ दें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारा पोहा अच्छे से भीग चुका है। अब मैं इसे मैश कर लूँगी। मैश करने के बाद आप इसमें जो भी हमारी सामग्री है हम सब डाल देंगे। 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच चावल का आटा, और जो भी हमने चॉप किया था प्याज, कैप्सिकम और धनिया पत्ती, इसकी जगह आप और भी जो भी वेजिटेबल्स चाहे आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं आप कैरेट भी डाल सकते हैं। ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। ये सारा कुछ मैंने आधा आधा चम्मच लिया है, मैंने तेल बस थोड़ी ज़्यादा ली हुई है। आप ये सब डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। आप अपने मनपसंद जो भी आपको सब्ज़ी लगती है आप कोई भी सब्ज़ी इसमें डाल सकते हैं। इसमें अब हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। देखिए अभी इसकी अच्छे तरीके से बाइंड हो रहा है, मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अगर ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई लगे तो आप इसमें थोड़ा सा एकदम हल्का पानी भी डाल सकते हैं। तो अभी ये बाइंड हो रहा है तो मैं इसके टिक्कियाँ बना लूँगी। ये मैंने इसके कटलेट्स बना लिए हैं। आप इसे कोई से भी शेप में बना सकते हैं, चाहे लंबा बना सकते हैं, कोई सभी शेप दे सकते हैं। मैंने एक साइड में ऑयल गरम करने रख दिया है। अब हम अपनी टिक्कियाँ फ्राई कर देंगे। हमें हमारी टिक्कियों को तब तक अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि इनका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी टिक्कियाँ अच्छे से सिक गई हैं, पर मैं इसे और कम आँच में अच्छे से अंदर तक सिक जाए इसलिए हम कम आँच में और अच्छे से पकाएंगे। इसके साथ मैंने इसे सॉस के साथ सर्व किया है। आप कोई से भी चटनी ले सकते हैं। आप इसके साथ टमाटर की चटनी बहुत अच्छी लगती है, या इमली की चटनी भी बहुत अच्छी लगती है। तो हो गए हमारे पोहा कटलेट रेडी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।